सो गाइस यहाँ से आपको सामने हिमालय के दर्शन भी हो जाते हैं। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोधिया के लिए और यहाँ पे जूली भी बैठी हुई है, बस निकल रहे हैं। सो फाइनली गाइस अभी निकल गए हैं। कल शाम ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और क्या ही मस्त मौसम हो रखा है। कल तो मैं जैकेट पहन के नहीं ले गया था, पर आज लेके जा रहा हूँ। फाइनली गाइस जोड़ पहुँच गए हैं घर से। सुबह तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था यार, आज मैं काफ़ी लेट उठा। मैं करीब आज 5 से 5:30 बजे करीब उठा था, तो भाई ब्लॉग व्लॉग तो बनाए नहीं। मैं कल चार्जर वहीं भूल गया भयंकर, और घर में जो चार्जर था भाई वो तो ठीक था, पर वो जो एडेप्टर था ना उससे चार्ज ही नहीं हो पा रहा था फ़ोन। यार कल वाला ब्लॉग भी एडिट नहीं किया मैंने, आज करूँगा मैं उससे एडिट। वहाँ पर लोधिया में पेट्रोल पंप पे पेंट वगैरह हो गया, शायद खुल जाएगा एक आध महीने के अंदर ही, कह रहे थे ऐसा एक आध महीने में खुल जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। कुछ ज़्यादा बारिश होती ना तो ये मिट्टी साफ़ ही हो जाती, तो मज़ा ही आ जाता। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती ना यहाँ तो ये मिट्टी साफ़ हो जाती यहाँ से, कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए थी फिर बारिश ने यार। यही मिट्टी साफ़ हो जाती तो फिर पता है अभी धूप आएगी, दिन में धूप पड़ेगी ख़तरनाक वाली, धूप लगेगी फिर ये सूख जाएगी, फिर वैसा ही सीन हो जाएगा। तो भाई नदी के पास पहुँच गए हैं। बाकी यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता रहता है। ऊपर वाली सड़क है देखो, ऊपर सड़क है नीचे सड़क है, और ये क्या होता है लैंडस्लाइड होता है ना जब बारिश वारिश होती है तो ऊपर वाली सड़क नीचे आ जाती है, नीचे वाली नीचे चली जाती है, भाई ऐसा ही सीन होता है। कैंपिंग करने आते हैं भयंकर एक दिन ना नदी के पास, वो नीचे कैंप लगाएंगे उधर ही मछली मारेंगे, या वो नीचे को कैंप लगाएंगे उधर ही मछली मारेंगे, भाई मज़ा ही आ जाएगा। हाँ सही, बहुत सारी मछलियाँ हैं इस नदी में, इतनी मछलियाँ हैं ना, बहुत ही मछलियाँ हैं। पहुँच गए हाईवे पे, हाईवे ना बिल्कुल साफ़ हो गया है बारिश की वजह से। कालिका माता मंदिर पहुँच गए हैं। आज हम थोड़ा सा अपने दीवानदा के पास रुकने वाले हैं। हिमालयन मैगी पॉइंट, तो गाइस यहाँ पे आके आप ना विजिट कर सकते हो भाई, ये काफ़ी मस्त मैगी बनाते हैं, और यहाँ पे आपको ना बहुत मस्त व्यू दिखेगा, सामने से हिमालय दिखेगा। बाकी अगर नीचे को देखोगे तो नीचे सुंदर सुंदर फूल और जंगली मुर्गियाँ वगैरह आती रहती हैं, और यहाँ पे मस्त गुलाब का फूल लगा रखा है दीवानदा ने। बाकी यहाँ पे भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे, माता काली के। और ये रहे दीवानदा। दीवानदा क्या बना रहे हो? गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छा अच्छा। सो गाइस यहाँ से आपको सामने हिमालय के दर्शन भी हो जाते हैं। भाई अभी थोड़ा कोहरा कोहरा सा है ना, तो उस वजह से नहीं दिख पा रहा। बाकी ये देखो भाई क्या ही नज़ारा है ना। बहुत दिनों के बाद गाइस यहाँ पे मैं रुका हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा, और कल बारिश हुई थी ना उसकी वजह से बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। सो गाइस अभी निकल गया हम यहाँ से, काफ़ी समय के बाद दीवानदा के साथ बैठे हैं, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप कभी यहाँ पे रुकोगे ना तो भाई आपको इतनी अच्छी शांति मिलेगी ना, साथ साथ में मंदिर भी है और प्लस इतने अच्छे अच्छे फूल भी हैं ना नीचे को, गधेरे साइड में इतने अच्छे फूल दिखते हैं। बाकी व्यू आप कभी आके आप रुको तो अलग ही आनंद आएगा, और मैगी का मज़ा लो, चाय का मज़ा लो, भाई क्या ही मज़ा आ जाता है। सुबह पहुंच गया हम लोधिया पे। बिट्टे दा गुड मॉर्निंग, एक काम आए हैं आपके लिए। गाइस फाइनली बाहर मौसम इतना ख़तरनाक हो गया ना कि क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ख़तरनाक वाला सीन हो गया है बाहर। बाकी यार बारिश भी होने वाली है कुछ ही देर में। गाइस ये रही बाइक, और बाकी पूरा अंधेरा हो गया भाई बाहर ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। 7:30 बज गए हैं और मैं निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए। सो गाइस और दिन की तरह आज भी अंधेरा हो गया, आज तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया, और तो मुझे 7:30 ही बज गए हैं। बाकी अभी चलते हैं भाई सीधे घर, और अंधेरा तो हो ही गया, शायद कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ना, कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं बस उनकी लाइटें दिखाई दे रही होंगी भाई। और ठंडा भी हो रहा है, लिटरली ना ठंडा भी हो रहा है, दिन में बारिश भी हो गई थी और मौसम भी ज़्यादा ख़राब है। अभी हम हवा भर रहे हैं भाई 7:30 बजे, और सुबह भरी नहीं थी। हाँ वही तो भाई, ये गड्ढे ऐसे लग रहे हैं ना रात के समय, तो मतलब मूड ख़राब हो जाता है इसमें, बाइक चलाने में अजीब सा होता है, बहुत दिक्कत परेशानी होती है इसमें।
सो गाइस अभी पहुंच गया हूँ जूड़ के ठीक सामने। सो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं घर, तो ऐसा करते हैं गाड़ी बंद कर देते हैं और आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।